अब कौन की हो गया जी, आज से हम निकल गए और मैं मुझे उम्मीद है कि आज की इमरजेंसी हमने बड़ी डिटेल से और बड़ी मैकेनिज्म एवरीथिंग दवाइयों का क्या मैकेनिज्म है सारे के साथ की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं आज की जो इमरजेंसी में वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और लोग बाज़ दफ़ा अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप कंट्री लेवल पे हर जगह पे आप इस तरह की इमरजेंसी तो आपको केस रेफर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मींस इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन, ये मीडिया मतलब दरमियान इंटरनल, मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेजेंटेशन स्कूल से पहले जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेजेंटेशन अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम ईयर पेन फीवर वोमिटिंग, मोस्ट वायरल्स 60%, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एसवी रेनो वायरस एडीनो वायरस, ये वायरस लगा रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है, और बैक्टीरिया 40% है, वायरल ज्यादा है 60% वायरल है, मोस्ट कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा मोरलेक्स का कैटरेक्ट्स और स्टेफ, और ये वायरस के नाम है जी उसके बैक्टीरिया के जो नीचे लिखे। मैंने आपको कहा कि इन्फ्लुएंजा आपके पास है, न्यूमोको है आपके पास, अगर आपके पास ये कोई भी और वायरस नहीं है तो आप ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल करें, आप बैसिलियम का इस्तेमाल करें, और आपका कैंपेन जो है ना वो और बहुत सारी दवाइयां लिखी हैं जैसे कैमोमेला है, बेलाडोना है, सिलेशिया है, लेकिन मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कभी भी किसी और दवाई की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पल्सटीला का इस्तेमाल करें। मैं कोई जब मैंने शुरू की प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास एक कान पेशेंट आया, उसके कान बह रहे थे, बच्चा था, तो मैंने सिलेशिया उसको दे दी, वो अगले दिन ही बच्चे को खातून वापस लेके आ गई, वो कहने की जी कान तो बिल्कुल ही बंद हो गया बहन, लेकिन ये रात भी नहीं सोया और हम भी नहीं साथ इसके सोए, इसके कान में बहुत दर्द। तो मैंने समझ गया कि सिलेशिया ने जो पस एक्सक्यूज की और पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन जो है आपका कॉक्लियर नर्व पे जाके पड़ा, क्योंकि साथ कॉक्लियर नर्व पड़ी हुई है और कॉक्लियर नर्व पे प्रेशर पड़ा तो उसने पेन क्रिएट कर दिया, पेन तभी क्रिएट होगा जब नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने फौरन उसको ना पल्सटीला 1 mg की डोज दी और मेरे बैठे बैठे उधर ही मैंने दी, मैंने कहा थोड़ा वेट करके, वो शुरू की प्रैक्टिस थी अभी इब्तदाई जमाना था, तो मैंने पल्सटीला दी, हालांकि मोलिन ऑयल दो जी फलाना दो जी लिखा हुआ है ना, तो मैंने जिंदगी में शुरू में मैं मोलिन ऑयल लेके आया शुरू में, फिर मैंने उठा के फेंक ही दिया उसको, पल्सटीला मैंने 1 mg दी, बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो गया, कान फिर बहना शुरू हो गया, दर्द खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि पल्सटीला का मोड ऑफ एक्शन मेडिसिन का क्या कि बाहर के रोग डिस्चार्ज करा देगी, दर्द ठीक हो गया। वो दिन तो आज दिन मैंने कान में पल्सटीला ही दी है और कभी नाकामी नहीं हुई। आप सेफली क्या कर सकते हैं, ट्यूबर दे, मेडोरिनम की डोज दे, और सेफ करना चाहते हैं तो आगे के रुख दे, ग्रेफाइट दे दे और पल्सटीला दे, आपका कान जो है ना वो टाइटस मीडिया, उसके बाद आपके पास काली म्योर है, उसके बाद आपके पास फेरम फास है, उसके बाद आपके पास कैमोमेला है, आपके पास बेलाडोना है, आपके पास सिलेशिया है, ये सारी जो है ना वो टाइटस मीडिया की दवाइयां हैं, फिर आपके पास सिस्टस है, सिस्टस भी बड़ी मजे की दवाई है कान के अंदर। तो अगर आपके पास वो जो कल्चर होके आ गया या डायग्नोज आ गया एक वायरल है बैक्टीरियल है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस बहुत हद तक कवर कर लेती है, लेकिन आपके पास आप उसको नजला इन्फ्लुएंजा भी दे दें, न्यूमोकोक्सिन भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ट्यूबरक्लोनियम दे दें, आप बैसिलियम दे दें, राइट जी। ओटाइटिस मीडिया नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन कान के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को
ओटाइटिस मीडिया करते हैं, सीवियर पेन में आता है, चीखो पकार पड़ी होती है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो आप उसको दे दें, आपकी जो फंगल का है हमारा सॉरी पैरालीडा दे सकते हैं, बल्कि मैं फंगल को यीस्ट जिसको कहते हैं वो भी मैं इस दफा इलियस से बनवा के ले यीस्ट, यीस्ट यीस्ट, क्योंकि एज ए करंट इंटर करंट रेमेडी आपको जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर उनको रिमूव करने के लिए इन दवाओं की जरूरत होती है। और इसमें लेटर ऑन ये जो अगर आप इसका अगर पस है, इन्फ्लेमेशन है, कुछ निकल रहा है, तो इसका कल्चर भी है, बहुत ज्यादा सूडोमोनास और इस किस्म के बैक्टीरिया यहां मिलते हैं। तो आप उस हमारे पास तो बेशुमार रिसोर्स हैं, सूडोमोनास का भी है, कुलाई का भी है, बाकी भी है, आप उसमें से एक आध अप्लाई कर दें। लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर आपके पास कोई नहीं तो आप ट्यूबेक्लोनियम दे दें, खाली में, और फेरमफास बहुत अच्छा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रोकती है, आप 200 में अल्टरनेटिव करके काली में और फेरमफास देंगे तो वो भी ठीक कर देगा। लेकिन पल्सर टीला कमाल है, पल्सर टीला का मोल्ड इफेक्शन आपको मैं देखो ना, मैंने आप ग्लाइकोमा इधर कहां कहां मैं आपको बता रहा हूं, इसको इसको फोकस करें, ये निकाल बाहर फेंकती है चीजों को। और जो नर्व पे प्रेशर कम करना है आपने, ध्यान में रखें, नर्व पे ऑक्लियर नर्व पे प्रेशर आ रहा है, कॉक्लियर नर्व पे प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर रिलीज करना है आपने नर्व से। जो आप प्रेशर रिलीव करेंगे आपका पेन ठीक हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज करना है कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करके। लेकिन हमने कहा सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक एक चीज को उसकी प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, उसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस किया, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया, और उसी तरह दवाइयां भी बताई।